News 18, India. से आज ईडी पूछताछ करेगी नौकरी के बदले जमीन घोटाले में। आज पटना में ईडी दफ्तर में तेजस्वी से 50 से 60 सवाल पूछे जा सकते हैं। पटना में ईडी दफ्तर में सीआरपीएफ की तैनाती कर दी गई है। किसी भी तरह से कोई भी वहां पर हिंसक झड़प ना हो या घटना इस तरह की ना हो, उपद्रव ना मचाया जाए, इसको लेकर साफ तौर पर सावधानी बरती जा रही है। क्योंकि हमने देखा था कि झारखंड में तमाम कार्यकर्ता पहुंच गए थे सरकारी आवास के बाहर हेमंत सोरेन के, और ऐसे में अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि 50 से 60 सवाल ऐसे होंगे, सवालों की बौछार ऐसी होगी जो कि तेजस्वी यादव पर ईडी की ओर से की जाएगी। और सुरक्षा के मद्देनजर जो वहां पर सिचुएशन है वो किसी भी तरीके से बिगड़े ना, इसके मद्देनजर वहां पर सीआरपीएफ की तैनाती भी कर दी गई। तो पटना में ही आज तेजस्वी यादव से पूछताछ होगी। कल लालू यादव से ईडी ने करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी। ईडी ने लालू से 50 से ज्यादा सवाल पूछे थे, जिसमें ज्यादातर के जवाब 27 से 28 सवालों के जवाब लालू यादव ने हाँ और ना में दिए। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। तेजस्वी का आज ईडी से आमना सामना होना है, और जो लालू यादव से सवाल पूछे गए जिसमें उन्होंने सहयोग नहीं भी किया, वो आधार भी हो सकता है तेजस्वी यादव से पूछताछ का। कल 10 घंटे उनसे पूछताछ होती है और आज भी ईडी ने 40 से 50 सवालों की फेरिस्त तैयार की है। उधर अगर हम देखें तो आरजेडी का ये कहना है कि ये नेताओं को व्यस्त करने का तरीका है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, बदले की साजिश हो रही है, और जो ये नौकरी के बदले जमीन घोटाला है, ये जब लालू यादव रेल मंत्री थे कैसे उन्होंने सस्ते दामों में जमीन ली, अपने परिवार के लोगों को दी, इसी आधार पर एक एक करके उनके परिवार के लोगों पर शिकंजा कस चुका है। और ईडी के एक्शन से दिल्ली से लेकर पटना तक खलबली मची हुई है। ईडी के रेडार पर 6 चेहरे हैं जिन पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है। पटना में लालू परिवार से पूछताछ हो रही है। इसमें दो मुख्य किरदार हैं, एक लालू यादव, दूसरे तेजस्वी यादव। और उधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समन्स के बाद भी गायब हैं। ईडी ने मानेसर लैंड डील मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी पूछताछ की है, जबकि महाराष्ट्र में दो अलग अलग मामलों में ईडी आज उद्धव गुट के नेता और करीबियों से पूछताछ करेगी। नीतीश कुमार से अलग होते ही लालू फैमिली की मुश्किलें पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। जब तक आरजेडी जेडीयू के साथ सरकार में थी तब लालू का परिवार कई बार ईडी की पूछताछ टाल चुका था, लेकिन नीतीश कुमार के गठबंधन तोड़ते ही कल लालू यादव पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश हुए। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव से 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई। उनसे दिल्ली और पटना के ईडी अधिकारियों ने पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक लालू प्रसाद यादव से 50 से ज्यादा सवाल पूछे गए। बताया गया कि इस बीच लालू कई बार अधिकारियों पर झल्लाए भी थे, और आरजेडी ये कह रही है कि लालू का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो 2 घंटे से ज्यादा से बैठ नहीं सकते हैं। ऐसे में उनसे 10 घंटे तक पूछताछ हुई है। और ईडी के एक्शन के बाद बीजेपी ने ईडी गठबंधन पर हमला किया है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि घोटाला करने वाले डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। जब उन पे लालू जी पे आरोप लगे हुए नौकरी के बदले पैसा लेने का, वो आरोप सिद्ध हो रहे हैं, तो ईडी अरेस्ट क्यों नहीं करेगी? और डरा हुआ कौन है? जिसका अरेस्ट हो रहा है वो डरेगा कि ईडी डरेगी? अब प्रधानमंत्री पे तो इनको आरोप लगाने की आदत है, हर चीज में प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। अरे अपने कहाँ पे आ गए? सत्ता चली गई तो मन की व्याकुलता लगता बढ़ गई है, पूरा खानदान व्याकुल भारत हो गया। हो रही तभी तो घर छोड़ के उनके नेता भाग रहे हैं, और किसी के बारे में उनका कंप्लेन है तो कोर्ट में जाए ना। कोर्ट में जाने के लिए किसी को रोका नहीं, केवल बचने के लिए कोर्ट में जाते हैं। जब उनको घेर लेती है, जब पकड़े जाते हैं, तब बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। अगर आपको लग रहा है और भी कोई इस पर गलत काम किया है, उसके अगेंस्ट में जाने के लिए खुला है। सामान्य लोग, जनता या तो किसी पार्टी के लोग अदालत में गए, खटखटाए, तभी अदालत ने इंक्वायरी किया और जो तथ्य सामने आ रहा है उसके आधार पर कार्रवाई कर रही है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने ईडी के एक्शन के बाद लालू परिवार और हेमंत सोरेन दोनों पर निशाना साधा है। उन्होंने लालू यादव को अपनी संपत्ति गरीबों में दान करने की नसीहत भी दे दी। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता ईडी जैसी संवैधानिक संस्था के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, वह हम समझते हैं कि लालू जी का नुकसान ही कर रहे थे, और हम तो सलाह देंगे या माया ममता मोह किस बात का है? अरे कुछ गरीब गुरबा को दान कर दीजिए संपत्ति, ये कहाँ ईडी के चक्कर में पड़े हुए हैं? अति पिछड़ा दलित जो भूमिहीन है, जो आपके दल के कार्यकर्ता है, उन्हीं को दे दीजिए तो कम से कम जीवन के अंतिम क्षण में कम से कम सुखमय तो आपका अनुभूति रहेगा।